सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। जय साईराम। नमस्ते दोस्तों, मैं समर राय आज आपके सामने जो चीज़ मैं लेके आया हूँ एक्चुअली ये है प्रो टूल्स का ओरिएंटेशन। तो ये क्लास को आप देखते रहिए। जिन लोगों को ऐसा कुछ इरादा है कि प्रो टूल्स चलाए लेकिन शॉर्टकट किस मालूम नहीं है, उनके लिए ये लेसन्स लेकिन बहुत फायदेमंद होगा। और जहाँ तक मेरे को ऐसा ख्याल है कि आप लोग चाहते हैं कि प्रो टूल्स को सीखे, ठीक ठाक से काम करे, हमारा चैनल में बहुत सारे ऐसा कुछ वीडियोस तो है ही, लेकिन अभी जो मैं दे रहा हूँ यह वन बाय वन सीरियल वाइज आपके सामने एपिसोड आते जाएंगे प्रो टूल्स का ओरिएंटेशन के बारे में। ठीक है, ये जो ओरिएंटेशन आप करेंगे ये सीखने के बाद आपको प्रो टूल्स लेकिन बहुत ईजी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने जो ये जो प्रोजेक्ट है इसमें देख रहे हैं आप, एक गाना है यहाँ पे। बेसिकली ये जो विंडो आप देख रहे हैं, ये जो विंडो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं एडिट विंडो, और ये जो विंडो है ये है आपका मिक्स विंडो, क्योंकि इसमें हम लोग मिक्स करते हैं। ठीक है, इस विंडो में हम लोग मिक्स करते हैं, बहुत सारे फेडर्स हमारे सामने हैं और यहाँ पे हम लोग एडिट करते हैं, मतलब छानबीन करते हैं, काट पीट करते हैं। लेकिन आपको अगर ये सब नहीं पता है कि इसका जो बटन्स वगैरह जो भी है इसका फंक्शंस क्या है, तो आप इतना ईजिली इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। वन बाई वन लेसन आपके सामने आते जाएंगे, आप देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा को उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्द से जल्द सीख जाएंगे उसको और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, चलिए तो इसे कहते हैं एडिट विंडो। यहाँ पे देखिए और एक चीज़ है यहाँ पे, जिसे हम लोग इसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट पैनल, राइट। दिस वन इज ट्रांसपोर्ट पैनल और ये है बिग काउंटर। ये जो बिग काउंटर आप देख रहे हो या जो ट्रांसपोर्ट पैनल देख रहे हैं आप, ये सभी डॉज में रहते हैं। लेकिन जैसे कि नंबर 3 दबाएंगे, कंट्रोल नंबर 3 दबाएंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। मैं धीरे धीरे एक के बाद एक इसको लेसन देकर आता हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जाएंगे जी शफल मोड। जब एडिट विंडो में आप रहेंगे तो आपको ये ऐसा एक विंडो दिखेगा। एडिट विंडो में जब आप जाएंगे आपको ऐसा एक विंडो दिखेगा, इसमें आपको शफल, स्पॉट, स्लीप एंड ग्रिड मोड, टोटली 4 मोड दिखेंगे आपको, जिसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे। देखिए आप माउस से भी इसको शफल मोड कर सकते हैं, स्लीप मोड कर सकते हैं, स्पॉट कर सकते हैं या ग्रिड मोड कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने जब कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से आप कर सकते हैं, जैसे कि F1 दबाने से हो जाएगा शफल, F2 दबाने से हो जाएगा स्लीप, F3 दबाने से हो जाएगा स्पॉट मोड एंड F4 दबाने से हो जाएगा ग्रिड मोड। अभी ग्रिड मोड को आपको अगर F4 डबल दबाएंगे, डबल बार दबाएंगे, आपको दोबारा दबाएंगे F4, तो ये रिलेटिव ग्रिड मोड में आ जाएगा, राइट। अभी हम आपको बताएंगे कि शफल मोड एक्चुअली होता क्या है। शफल मोड एक्चुअली होता क्या है, जब भी आपको इस टाइप का काम करना है तो आप शफल मोड यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए ये वोकल ट्रैक है, आपको सभी को पता है कि ये जो है ये एक एक ट्रैक कहते हैं हमको, इसको हम एक एक ट्रैक कहते हैं, हर एक लाइन को हम ट्रैक कहते हैं ना, मतलब स्ट्रीप जिसको कहते हैं। तो ये सब ट्रैक को हम अगर सोलो दबाएंगे तो सोलो हो जाएगा, सबको पता है, आपको भी पता होगा कि ये इस ट्रैक में ये सोलो बटन है, ये म्यूट बटन है। बाकी जो आई देख रहे हैं ये है इन मिक्स मॉनिटरिंग बटन और यह है रिकॉर्ड बटन। फिलहाल हम एस को दबाएंगे, मतलब इसको सोलो करेंगे। तो जैसे मैंने इसको सोलो किया सिर्फ यही ट्रैक बजेगा, राइट। मान लीजिए कि यहाँ पे जो गाना गाने के बाद ये बीच में जो जगह है, खाली जगह है, इस जगह को आप, ये खाली जगह है इस जगह को आप काट करना चाहते हैं और इसको इधर, मतलब ये जो पोर्शन को आप काट करेंगे, काट करने के बाद जैसे काट करेंगे या डिलीट करेंगे तो सिलेक्ट कर दीजिए और डिलीट मार दीजिए। तो शफल मोड में क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका पीछे का हिस्सा
इसके सामने जुड़ जाएगा। आप समझ रहे हैं? मैंने अभी अभी क्या किया, शफल मोड था, मान लीजिए कि हम लोग स्लिप मोड में हैं। इस मोड में रहते हुए हम इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर डिलीट दबाएंगे तो इससे ये हिस्सा कट जाएगा, उड़ जाएगा। लेकिन ये जो पीछे का हिस्सा, मैं चाहता हूँ कि इसके साथ जाके जुड़ जाए। होता है ना कभी कभार ऐसा होता है कि अनाउंसमेंट किया है, कोई कुछ रिसाइट कर रहा है, तो रिसाइट करने के बाद बीच बीच में कुछ गैप रहता है कि जहाँ पे किताब का या कोई एक्सरसाइज बुक का जो पेजेस का नॉइज़, गले का मतलब कुछ नॉइज़ वगैरह से वगैरह बहुत कुछ होता है, तो ये बीच में ऑटोमेटिकली रह जाता है। तो उसको हम काट करके एक कंप्लीट ऑडियो में लाएंगे, तो उसको आप काट कर सकते हो। और काट करके उन नॉइज़ को निकालने के बाद ये जो हिस्सा है बिल्कुल इसके पीछे आके आप जोड़ सकते हो, लेकिन ये आपको मैन्युअली करना पड़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटोमेटिकली हो जाए तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा शफल मोड। F1 दबाने से शफल मोड सिलेक्ट होता है। F1 आपका कीबोर्ड का जो बटन है, F1 दबाने से शफल मोड ऑन होता है। अभी शफल मोड ऑन हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपका पोर्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे, करने के बाद डिलीट दबाएंगे। जैसे डिलीट दबाएंगे तो पीछे का हिस्सा ऑटोमेटिक यहाँ पे आके जोड़ जाएगा। आप देख रहे हैं जोड़ गया। मान लीजिए कि इस जगह पे आपको थोड़ा सा काट करना है, तो अभी प्रो टूल्स में जूम इन करने का और जूम आउट करने का जो ऑप्शंस है, जो मतलब शॉर्टकट कीज है, वो है टी और आर। टी से जूम इन होता है, आर से जूम आउट होता है। जो कर्सर जहाँ पे रहेगा उसी जगह जूम इन होते जाएंगे टी दबाने से, और आर दबाने से जूम आउट होते जाएंगे। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं, जूम इन करके टी दबाते हुए जूम इन करके आप यहाँ से लेके कर्सर से आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आप तो यहाँ तक, राइट, यहाँ तक सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप जूम आउट कर सकते हैं, और देखिए शफल मोड ऑलरेडी है यहाँ पे, हमारा शफल मोड ऑलरेडी चालू है। जैसे मैं सिलेक्ट करने के बाद इसको डिलीट दबाऊंगा तो डिलीट हो जाएगा, उतना सा हिस्सा डिलीट हो जाएगा और पीछे का जो हिस्सा है डायरेक्ट उसके आगे जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ गया। तो ये शफल मोड में आपको ये सुविधा देता है।